नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट नए रंग रूप में अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही सोच नई वाटिका मेगामार्ट श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स मिर्जापुर रोड दरभंगा। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर डॉक्टर रूही यास्मीन निसंतान रोग विशेषज्ञ। द जावेद हबीब सैलॉन फॉर मेन एंड वोमेन मिर्जापुर रोड राजकुमारगंज दरभंगा। हेयर ब्यूटी एंड मेकओवर अप टू 50% डिस्काउंट ऑफर। अभी बुक करें और अवेल करें बाद में भी। CCTV में कैद हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीर। बुधवार को इसी अपराधी ने मारी थी होटल में दो लोगों को गोली। दरभंगा में 24 घंटे के भीतर तीन अलग अलग जगहों पर गोलियां चलने से दहल उठा है शहर। मेला देखकर लौट रही नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण कर सामूहिक हैवानियत का सनसनीखेज मामला आया सामने। SSP ने शुरू की जांच और कार्रवाई। 4 दिन बाद बुजुर्ग के शव की हुई पहचान। मृतक के परिवार ने लगाया भतीजे पर ही हत्या का आरोप। सारा मोहनपुर में पुल के नीचे मिली थी लाश। मनीगाछी के बथेल गांव के रहने वाले थे मृतक महेश झा। डेंगू को लेकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बढ़ रही मरीजों की संख्या। DMCH के ब्लड बैंक की क्रायो मशीन हुई खराब। प्लेटलेट्स नहीं रहने से मरीजों की जान पर हो सकता है खतरा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने या फिर शुद्धिकरण हेतु 28 अक्टूबर को चलेगा विशेष अभियान। बूथों पर BLO रहेंगे मौजूद। जिलाधिकारी ने भी आमजनों से की इस अवसर का लाभ उठाने की अपील। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने डरहार कन्या उच्च विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर की हालात का भी लिया जायजा। और जल जमाव की समस्या को लेकर वार्ड 29 के लोगों ने नाले के पानी में बैठकर किया प्रदर्शन। कहा 12 में से 9 महीने घर से लेकर सड़क तक पर लगा रहता है गंदा पानी। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किस ना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहाओ विश्वास परिवार का। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है, आपके सपनों की उड़ान। TPMI लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ। हमारे पास ओप्पो, सैमसंग, जियोनी और सभी प्रकार के स्मार्टफोन्स सेलिंग के लिए उपलब्ध हैं, और वो भी 0% फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के आकर्षक लोन सुविधा के साथ। आकर्षक एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करना ना भूले। मिथिलांचल का गौरव
31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप बाकरगंज लहरिया सराय दरभंगा 100% प्योर सोना चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन जो छू लेंगे आपके मन को विवाह और पार्टी के लिए ज्वेलरी की आकर्षक रेंज रत्न एवं उपरत्नों का संपूर्ण कलेक्शन कन्हैया प्रसाद राजू की विश्वसनीय दुकान श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज टावर चौक दरभंगा लेडीज मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम एलन सॉली वैन हुसैन ली रैंगलर लिवाइस मोंटे कार्लो मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े हमारी खास पेशकश श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क कांजीवरम डिजाइनर सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज दुल्हन लहंगा गर्लिस लहंगा कॉटन एंड फैंसी सूट पीस अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास क्योंकि हम देंगे आपका साथ राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब बलभद्रपुर नवटोल लहरिया सराय दरभंगा क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई फ्री एडमिशन इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक डायरेक्टर आनंद कुमार झा दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार सिटी कार्ट मॉल के सामने शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर बेंता लहरिया सराय दरभंगा करिए तैयारी रेलवे CRPF ASM TC CC SSC आर्मी और बिहार पुलिस दरोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल फ्री एडमिशन لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حج اور عمرہ کریے ہمارے ساتھ पिछले 11 वर्षों से हम करा रहे हैं यह काम नफीसा हज एवं उमरा ट्रेवल्स बाजार समिति गेट के सामने शिवधारा दरभंगा दूसरे काफिले की रवानगी 10 दिसंबर को तीसरे काफिले की रवानगी 20 जनवरी 2019 को और इसी तरह जून 2019 तक हर महीने काफिले की होगी रवानगी हर रवानगी से 2 महीना पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 9835686530 और 9939797586 पर और समाचार विस्तार के साथ CCTV में कैद हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीर बुधवार को इसी अपराधी ने मारी थी होटल में 2 लोगों को गोली दरभंगा में 24 घंटों के भीतर 3 अलग-अलग जगहों पर गोलियां चलने से दहल उठा है शहर CCTV में कैद हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरें कल मारीती होटल में 2 लोगों को गोली गुस्साए लोगों ने सुशील मोदी से पूछे सवाल पितृपक्ष के बाद अपराधियों को छूट मिल गई है क्या बड़ी खबर दरभंगा से है बिहार के दरभंगा में महज 24 घंटे के अंदर अलग अलग 3 जगहों पर अपराधियों के ताबड़तोड़ फायरिंग से दरभंगा दहल उठा पहली घटना में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई यहां अपराधियों ने तकरीबन 10 राउंड फायरिंग की तो दूसरी घटना में एक व्यवसायी को गोली मार अपराधी भाग निकले तीसरी घटना में अपराधी 5 राउंड फायरिंग करने में कामयाब हुए जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और इसी घटना की तस्वीर भी CCTV में कैद हो गई जिसमें एक लंबा सा आदमी पहले खड़ा दिखता है फिर अपना चेहरा ढक कर आता है और एक के बाद एक 5 गोली दोनों लोगों को दाग कर भाग निकल जाता है पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों को पकड़ने में लगी है दरअसल 24 अक्टूबर की शाम दरभंगा बहेड़ी पथ के गीतांजलि लाइन होटल पर नकाबपोश बाइक सवार अपराधियों ने नाश्ता कर रहे व्यापार मंडल के अध्यक्ष सह सदर प्रखंड के उप प्रमुख पूनम देवी के पति लाल बिहारी यादव को सरेसाम गोलियों से छलनी कर दिया लाल बिहारी को 4 गोली लगी है वहीं अरुण कुमार यादव को भी 1 गोली लगी है दोनों घायल की हालत नाजुक बनी है दरभंगा के एक निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की स्थिति देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया गया है गोलीबारी के खिलाफ लोगों में गुस्सा भी खूब दिखा आक्रोशित लोगों ने बीच सड़क पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की
वहीं 24 घंटे के अंदर तीसरी बार हुए गोलीकांड से आक्रोशित लोगों ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के उस बयान की याद दिलाते हुए सवाल किया कि मोदी जी अपराधियों के सामने हाथ जोड़ते और कहते हैं कि पितृपक्ष तक अपराधी कम से कम अपराध न करें, तो क्या अब अपराध करने की बिहार में छूट हो गई है। आक्रोशित लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर इंसाफ नहीं मिला तो दरभंगा की जनता जिला प्रशासन को जवाब देगी उग्र प्रदर्शन के माध्यम से। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए सदर डीएसपी अनुज कुमार ने कहा कि अपराधी की पहचान कर ली गई है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला गया है, घटना में शामिल अपराधी की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पहली नज़र में यह मामला आपसी रंजिश का लगता है। यहां यह बताना ज़रूरी है कि दरभंगा बस स्टैंड के वर्चस्व की लड़ाई बहुत पुरानी है और इसको लेकर कई हत्याएँ पहले भी हो चुकी हैं। कुछ माह पूर्व दिल्ली मोड़ नया बस स्टैंड पर गोलीबारी में एक साथ 3 लोगों की मौत के बाद एक बार फिर लड़ाई उभर कर सामने आई है और इसी तिहरे हत्याकांड में लाल बिहारी यादव का मुख्य रूप से नाम आया था, जिसके बाद से लाल बिहारी यादव फरार हो गया था। लगभग एक माह बाद जब दरभंगा पुलिस लाल बिहारी यादव के घर की कुर्की जब्ती करने लगी तो उसी समय लाल बिहारी यादव ने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया था। उसके बाद से लाल बिहारी यादव जेल गए और कुछ दिन पूर्व ही वह जेल से बाहर आए थे। में गमछा लपेटे हुआ था, एक आदमी बाइक स्टार्ट किया हुआ था, हम 4 आदमी थे वहाँ पे, नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता करके नेताजी गए बिल पेमेंट करने के लिए, हम पानी पीने गए, उधर से उतरा बाइक से पटापट मार दिया 2 आदमी को और फिर से बहेड़ी की तरफ भाग गया दोनों बाइक वाले। कितने की संख्या में था? 2। पहचान पाए आप लोग? नहीं, गमछा बांधे हुए थे दोनों। कितने राउंड गोली चलाया? 4-5। 5 राउंड गोली चलाई। ये दरभंगा में अभी आज ये तीसरी गोलीबारी की घटना हो गई है, क्या जिला प्रशासन दरभंगा का चूरी बांध के बैठ गया है? क्या अपराधियों के सामने नतमस्तक हो गया है? क्या बिहार के उपमुख्यमंत्री बयान देते हैं? जो भाई प्रतिपक्ष मेला है, आप लोग अपराधियों से नम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग प्रतिपक्ष मेला में गोलीबारी हत्या की राजनीति, वो सुशील मोदी की राजनीति चल गई पटना में, ये दरभंगा की जनता है। जितना दरभंगा की जनता शांत है इतना उग्र है, और जिला प्रशासन को हमारे रानीपुर की जनता, हमारे दरभंगा की जनता जवाब देने के तैयार है। उग्र आंदोलन हो सकते हैं। पीएम थाना अंतर्गत जो है एक गीतांजलि होटल है, वहाँ पर जो है कि ये लोग नाश्ता कर रहे थे, उसी बीच जो है कि 5-6 अपराधी की आए हैं और बाइक से, और उन पर जो है गोली चलाया गया है, उसमें से 2 आदमी को लगा है, एक उमेश यादव और एक लाल बिहारी यादव। लाल बिहारी यादव जो है कि पहले से जो है कि वहाँ पर जो है त्रिपुर हत्याकांड में जमानत पर है, जो बस स्टैंड में कोर्ट में हुई थी, और उन्होंने जो है गैंग की पहचान कर ली गई है, सीसीटीवी फुटेज में भी आया है और हम लोग गिरफ्तारी की कर रहे हैं। वो तो ऐसा लगता है कि पूर्व अपराधी इसका मामला बन गया। मेला देखकर लौट रही नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण कर सामूहिक बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एसएसपी गरिमा मलिक ने शुरू की है जांच और शुरू की है कार्रवाई। मेला देख लौट रही नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला आया सामने, एसएसपी ने शुरू की कड़ी कार्रवाई। बड़ी खबर दरभंगा से है। 3 दिनों तक नाबालिग लड़की का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दुर्गा पूजा का मेला देख लौट रही नाबालिग बच्ची को सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म का मामला महिला थाने में दर्ज कराया गया है। महिला थाना को दिए आवेदन में बताया गया कि 19 अक्टूबर की देर शाम नाबालिग युवती बिरौल थाना क्षेत्र के बौराम दुर्गा पूजा, जो नाबालिग युवती के ननिहाल का गांव है, वहां से मेला देखकर अकेले लौट रही थी। मोटरसाइकिल सवार 2 दोस्त नाबालिग युवती को सुनसान वाले जगह से उठाकर ले गए और टूटे फूटे मकान में बारी बारी से दोनों ने नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग लड़की अपने दुष्कर्मी से बचने के लिए शोर मचाना चाह रही थी तो दोनों युवकों ने उसके मुंह को कपड़े से बांध दिया। उसी रात उस लड़की को दोनों युवक मोटरसाइकिल से दरभंगा के किसी घर में ले जाकर बंद कर 3 दिनों तक बारी बारी से दुष्कर्म करते रहे। 22 अक्टूबर की सुबह गांव के पीएचसी हॉस्पिटल के पास छोड़कर दोनों युवक फरार हो गए। नाबालिग युवती ने अपनी आपबीती घर के लोगों को बताई। महिला थाने को दिए आवेदन में बड़गांव थाना क्षेत्र के
अथलार गांव निवासी बैजू यादव उर्फ बिंदेश्वर यादव के पुत्र राजकिशोर यादव एवं बिरौल थाना क्षेत्र के सिखपुरा निवासी स्वर्गीय जाकिर के पुत्र केसर पर अपहरण करने एवं दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। दरभंगा SSP गरिमा मलिक ने बताया कि एक बच्ची के द्वारा आवेदन दिया गया है, बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। युवती के आवेदन पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बड़गांव ओपी अंतर्गत एक बच्ची जो है उसके साथ बलात्कार का मामला जो है वो सामने आया है और उसमें जो है इमीडिएटली FIR दर्ज किया गया है। महिला पुलिस पदाधिकारी जो हैं उनको इसमें अनुसंधानकर्ता बनाया गया है और मामला जो है वो अनुसंधान में है। 4 दिन बाद बुजुर्ग के शव की हुई पहचान, मृतक के परिवार ने लगाया भतीजे पर ही हत्या का आरोप। सारा मोहनपुर में पुल के नीचे मिली थी बुजुर्ग की लाश, मनीगाछी के बघेल गांव के रहने वाले थे मृतक महेश झा। 4 दिन बाद बुजुर्ग के शव की हुई पहचान, परिवार ने लगाया भतीजे पर ही हत्या का आरोप। खबर दरभंगा से है। 21 तारीख को पुल के नीचे से मिले अज्ञात बुजुर्ग के शव की पहचान 4 दिन बाद आखिरकार हो ही गई। पहचान के साथ ही परिजनों ने उनकी भूमि विवाद में भतीजे के द्वारा हत्या कर शव को ठिकाने लगाने का आरोप लगाते हुए सदर थाना में मामला दर्ज करवाया है। दरअसल 21 तारीख की सुबह 55 वर्षीय बुजुर्ग के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सदर थाना क्षेत्र के सारा मोहनपुर के पास पुल के नीचे से पुलिस ने अज्ञात शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा, जिसके बाद से ही लगातार बुजुर्ग के परिजन की तलाश पुलिस को थी। इसी बीच मनीगाछी थाना क्षेत्र के बथेल गांव निवासी महेश झा के लापता होने की सूचना मनीगाछी पुलिस को मिली। जब पुलिस ने लापता महेश झा की तस्वीर को अज्ञात शव से पहचान करवाया तो वह उनका ही शव निकला, जिसके बाद लुधियाना में रह रहे बेटे को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही लुधियाना से पोस्टमार्टम पहुंचे महेश झा के पुतोहू पुतुल देवी ने सब की पहचान ससुर के रूप में की और कहा कि ये गांव में अकेले रहते थे। इनके जमीन पर भतीजा पिंटू झा की नज़र थी, अक्सर दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद होता रहता था। आखिरकार पिंटू ने मेरे ससुर की हत्या कर दी, यह आरोप उनकी बहू ने लगाया। वहीं SSP गरिमा मलिक ने कहा कि अनुसंधान जारी है, सबकी पहचान हो गई है जिन्हें परिवार को सौंप दिया गया है। सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाकर आरोपी की पहचान कर साजिश का खुलासा जल्द किया जाएगा, कहा SSP ने। हाँ, इस मामले में इनिशियली जो है एक अननोन डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई थी, जिस पे इमीडिएटली सदर थाना अंतर्गत UD केस जो है वो दर्ज हुआ था। बाद में पहचान हुई है जो है शव उसकी मनीगाछी क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति जो है उनके उनसे उसके उस बॉडी की पहचान हुई है और अभी जो है उसमें केस में अनुसंधान में FIR दर्ज करते हैं, उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। आए हैं अपने ससुर का लाश लेने। आज मेरे ससुर से बात हुई थी 11:30 रात को, शनिवार को 20 तारीख को। उसके बाद मेरे ससुर से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अब मेरे को बता रहा था मेरा भतीजा गाँव आ चुका है, मेरे जान को खतरा है। मैं बोली पापा जी कोई बात नहीं, घर से आप भाग जाइए। वो बार बार मेरे ससुर को धमकी दे रहा था, अगर मेरे पूरा प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करोगे तुम्हारे को पूरा खानदान मिटा देंगे और तुमको घिसिया घिसिया के मारेंगे। तो हम लोग सोच रहे थे क्या जो भतीजा है, चलो भतीजा कहीं चाचा को मार सकेगा, लेकिन नहीं, वो किडनैप करके लेके साबित कर दिया है जो मैं एक कातिल हूँ। हमेशा वो कातिल ही का काम करता है, उसका कईयों से वो धंधा चल रहा है। डेंगू को लेकर DMCH प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, बढ़ रही DMCH में डेंगू मरीजों की संख्या। डेंगू को लेकर अस्पताल प्रशासन ने किया अलर्ट जारी, बड़ी खबर दरभंगा से है। मिथिलांचल में लगातार डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। दिल्ली व अन्य महानगरों से लौटकर वापस आए अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा डेंगू पीड़ितों का इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग के डेंगू वार्ड में हो चुका है। साथ ही अभी अस्पताल में 0.5 दर्जन मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या देखते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राज रंजन प्रसाद ने अस्पताल को अलर्ट कर डेंगू वार्ड में लगे 7 बेड को बढ़ाते हुए 9 बेड कर दिया है। साथ ही
ही उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर मेडिसिन विभाग के अन्य वार्ड को डेंगू वार्ड बनाकर समुचित इलाज की व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष को दिया गया है ताकि डेंगू से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़े। डीएमसीएच में इलाजरत समस्तीपुर जिला के हसनपुर निवासी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी रानी देवी मालदा से गाँव आई थी। अचानक तेज बुखार आने पर पहले उन्होंने उनका इलाज गाँव में करवाया। जाँच में डेंगू आने पर हम लोग इलाज के लिए इन्हें डीएमसीएच ले आए। यहाँ चिकित्सक की देखरेख में इलाज चल रहा है और तबीयत में भी सुधार दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर कोलकाता से डेंगू पीड़ित होकर लौटे मोहम्मद जाहिद ने बताया कि जब वे कोलकाता में थे तभी उन्हें तेज बुखार आया और जब वहाँ उन्होंने अपना इलाज करवाया तो पता चला कि वे डेंगू की चपेट में आ गए हैं। डॉक्टर की सलाह पर वो अपने घर लौट आए हैं और डीएमसीएच में अपना इलाज करवा रहे हैं। वहीं डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर राज रंजन प्रसाद ने बताया कि दीपावली व छठ में काफ़ी संख्या में डेंगू से ग्रसित मरीजों के प्रदेश से यहां आने की आशंका है, जिसको लेकर डेंगू मरीजों के बेहतर इलाज के लिए डेंगू वार्ड में बेड की संख्या बढ़ाते हुए आवश्यकता पड़ने पर अलग वार्ड खोलने का निर्देश दिया गया है। तो हमने पहले से जो व्यवस्था थी उससे भी बढ़ा दिया है, उसी रूम में डेंगू का जो वार्ड था उससे बढ़ा दिया और साथ साथ एक अटैच वार्ड भी था डॉक्टर ओ पी गिरी के, उसमें जो पास बेड थे उसको भी हमने डेंगू वार्ड में कन्वर्ट किया है ताकि आने वाले समय में जो भी आते हैं मरीज डेंगू के उनका इलाज हो सके। तो एक अलर्ट के रूप में लिया गया है और अगर इस तरह से देखा जाएगा तो कुछ और बेड को उसमें लगा करके साइड बाई साइड बड़े बड़े अस्पतालों में दिल्ली में हमने देखा है कि जो बेड है उसके बगल में ट्रॉली बेड लगा करके वो लोग इलाज करते हैं। इसी तरह की व्यवस्था हम भी कुछ कर रहे हैं ताकि सभी डेंगू के मरीजों का इलाज हो सके। कोलकाता में रह रहे थे तो ये 10-15 रोज रहे, फिर रात में बुखार आ गया 11 बजे करीब। कब पता चला आपको कि डेंगू हो गया? ये फिर हुआ जब हुआ तो सरकारी हॉस्पिटल में जांच करवा बोला गया जो डेंगू हो गया आप घर चले जाए। मैं अपने घर से आया, घर पर बुखार लगा था डेंगू, ऐसे यहाँ पर इलाज बढ़िया थी अपने लोकल में इलाज करवाए तो बुझा कि वहाँ से कटवा के हसनपुर से दरभंगा चले आए, यहाँ साबुतगढ़ डेंगू यहाँ पर इलाज चल रहा है, यहाँ इलाज चल रहा है। डीएमसीएच के ब्लड बैंक की क्रायो मशीन अचानक हुई खराब, प्लेटलेट्स नहीं रहने से डेंगू मरीजों की जान पर हो सकता है खतरा। डीएमसीएच के ब्लड बैंक की क्रायो मशीन हुई खराब, प्लेटलेट्स नहीं रहने से मरीजों की जान पर हो सकता है खतरा। दरभंगा में लगातार डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। दीपावली व छठ में प्रदेश से लौटकर वापस आए अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा डेंगू पीड़ित मरीजों का इलाज हो चुका है और 7 डेंगू पीड़ित मरीज अभी भी डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में भर्ती हैं। दरअसल डेंगू मरीजों के शरीर में प्लेटलेट की कमी सर्वाधिक होती है, लेकिन ब्लड बैंक के क्रायो मशीन में आई तकनीकी खराबी के कारण प्लेटलेट नहीं बन पा रहा है, जो मरीजों और परिजनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि कहीं प्लेटलेट की आवश्यकता अचानक पड़ जाए तो क्या होगा। दरअसल डीएमसीएच के ब्लड बैंक में 2 क्रायो मशीन पहले से ही खराब पड़ी हैं। मशीनों के खराब होने से पूर्व में भी प्लेटलेट्स के अलावा कई अन्य कंपोनेंट बनाने का काम ठप हो गया था। इसे देखते हुए ब्लड बैंक को नई क्रायो मशीन उपलब्ध कराई गई थी। इस मशीन से काम चल रहा था लेकिन 22 अक्टूबर की दोपहर बाद डिस्प्ले में अचानक आई खराबी के कारण 2 दिनों से वहां प्लेटलेट्स बनाने का काम ठप हो गया है, जिससे डेंगू पीड़ित मरीजों के परिजनों में हड़कंप मच गया है। डेंगू की चपेट में आने से कई मरीजों के प्लेटलेट्स में भारी कमी आ सकती है। समय पर प्लेटलेट्स नहीं मिलने से उनकी मौत भी होने की संभावना हो सकती है। इधर क्रायो मशीन खराब होने के बाद ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर ओपी चौरसिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसकी सूचना अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजरंजन प्रसाद के अलावा बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के संयुक्त निदेशक को देते हुए जल्द उसे ठीक कराने का अनुरोध किया गया है। तो क्रायो मशीन जो जिसे हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं उसका LCD काम करना बंद कर दिया, जिसके चलते हम लोग कंपोनेंट नहीं बना पा रहे हैं। डेंगू के रोगियों के लिए प्लेटलेट की आवश्यकता होती है, अक्सर प्लेटलेट कम हो जाता है और मशीन खराब होते ही हमने ज्वाइंट डायरेक्टर एड्स कंट्रोल पटना से टेलीफोन पर वार्ता की। उन्होंने कहा हम मैकेनिक को सूचित कर रहे हैं, 2 दिन में चला जाएगा। इस संबंध में अधीक्षक महोदय को भी लिखित सूचना दे दी है और उनसे वार्ता हुई है, वो भी लगे हुए हैं कि जितनी जल्दी मशीन ठीक हो जाए।
अभी आपके सामने वो जो मैकेनिक है उनसे बात हुई है, वो बोले हैं कि कलकत्ता से हम पटना आ गए हैं, पटना से हम 11 बजे कल यहाँ पहुँच रहे हैं तो मशीन ठीक कर देंगे। तो फिलहाल किस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी डेंगू के मरीज में? अगर डेंगू के मरीज को प्लेटलेट की आवश्यकता होगी तो फिलहाल तो यहाँ प्लेटलेट अवेलेबल नहीं है। प्लेटलेट का लाइफ 1 to 6 डेज होता है, इसीलिए प्लेटलेट अवेलेबल नहीं है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने या फिर उसमें शुद्धिकरण के लिए 28 अक्टूबर को चलेगा विशेष अभियान। बूथों पर BLO रहेंगे मौजूद। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने भी आमजनों से की इस अवसर का लाभ उठाने की अपील। 28 अक्टूबर को सभी बूथों पर चलेगा विशेष अभियान। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में अब तक नहीं जुड़े हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए पूरे जिले में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर तक चलेगा। 28 अक्टूबर को जिले के सभी बूथों पर नाम जोड़ने हटाने अथवा शुद्धिकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दिन सभी BLO अपने अपने बूथ पर आवश्यक प्रपत्रों के साथ उपस्थित रहेंगे एवं इच्छुक लोगों से उनका आवेदन प्राप्त करेंगे। जिन लोगों की उम्र 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष हो रही है वैसे लोगों के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का यह सुंदर अवसर है। अगर वोटर लिस्ट में छपे नाम में कोई त्रुटि है अथवा नाम हटाना है इसके लिए भी आवश्यक प्रपत्र भरकर BLO को दिया जा सकता है। निर्वाचन विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करने का भी प्रावधान है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि 28 अक्टूबर को चलाए जाने वाले विशेष अभियान में सभी BLO की बूथों पर ससमय उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक संख्या में अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए विशेष अभियान दिवस के अवसर पर अपने बूथों पर आएं एवं इस अवसर का लाभ उठाएं। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का है, फॉर लौटेंगे। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में। ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में। 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व्स इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर नेम टू ट्रस्ट अपॉन हेरू इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद GPS। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब। वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर CCTV सर्विलांस। रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू SMS अलर्ट सिस्टम। एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट। नो री एडमिशन चार्जेज फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774. Shailendra Jha, principal. Manaiye utsav hamare sang. Sari, lehenga, salwar suit evam kurti aur bhi bahut kuch. Aakarshak rang, khas evam aadhunik designon ke kapde. Utsav creation, Vibha Palace, Bank of Maharashtra ke nikat Mirzapur, Darbhanga. Call kare 9470439689 और 9891984679 पर। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला लहेरिया सराय दरभंगा। डायल करें 8804911122। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल बिरदीपुर दरभंगा। CBSE करिकुलम, क्वालिफाइड टीचर्स फ्रॉम दार्जिलिंग। 5 acre कैंपस विद ह्यूज प्लेग्राउंड, कंप्यूटर क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV सर्विलांस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। कमिंग अप इन फ्यूचर फुल्ली एयर कंडीशन क्लासेस, स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज एंड एयर कंडीशन हॉस्टल। For more details, dial 94314-600-27, 94300-14701 and 97093-34301। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड
अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट लालबाग दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम, शर्ट पैंट, सूट कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट लालबाग। ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबका स्वागत, बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस आर स्पॉन्सर्ड बाय ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर चौक दरभंगा, अ ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी जी मेडिकल प्लस टू बोर्ड प्री फाउंडेशन फॉर क्लासेस 7th to 10th एनटीएसई एंड ओलंपियाड। सीसीटीवी में कैद हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीर, बुधवार को इसी अपराधी ने मारी थी होटल में दो लोगों को गोली। दरभंगा में 24 घंटे के भीतर तीन अलग अलग जगहों पर गोलियां चलने से दहल उठा है शहर। मेला देखकर लौट रही नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण कर सामूहिक हैवानियत का सनसनीखेज मामला आया सामने, एसएसपी ने शुरू की जांच और कार्रवाई। चार दिन बाद बुजुर्ग के शव की हुई पहचान, मृतक के परिवार ने लगाया भतीजे पर ही हत्या का आरोप। सारा मोहनपुर में पुल के नीचे मिली थी लाश, मनीगाछी के बथेल गांव के रहने वाले थे मृतक महेश झा। डेंगू को लेकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, बढ़ रही मरीजों की संख्या। डीएमसीएच के ब्लड बैंक की क्रायो मशीन हुई खराब, प्लेटलेट्स नहीं रहने से मरीजों की जान पर हो सकता है खतरा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने या फिर शुद्धिकरण हेतु 28 अक्टूबर को चलेगा विशेष अभियान, बूथों पर बीएलओ रहेंगे मौजूद, जिलाधिकारी ने भी आमजनों से की इस अवसर का लाभ उठाने की अपील। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने डरहार कन्या उच्च विद्यालय का किया औचक निरीक्षण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर की हालात का भी लिया जायजा। और जल जमाव की समस्या को लेकर वार्ड 29 के लोगों ने नाले के पानी में बैठकर किया प्रदर्शन, कहा 12 में से 9 महीने घर से लेकर सड़क तक पर लगा रहता है गंदा पानी। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने डरहार कन्या उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर की हालात का भी लिया उन्होंने जायजा। बहादुरपुर प्रखंड के डरहार में अवस्थित प्लस टू प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने। उन्होंने विद्यार्थियों से उनकी समस्याएं भी जानी और उनसे सुझाव भी मांगे ताकि पठन पाठन को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। इधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर भी पहुंचे डीएम, वहां भी स्थिति का लिया जायजा, कार्यप्रणाली पर रखी नजर, दिए कई निर्देश सेवाओं में सुधार की खातिर। जल जमाव की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 29 के लोगों ने नाले के पानी में बैठकर किया प्रदर्शन, कहा 12 में से 9 महीने घर से लेकर सड़क तक पर लगा रहता है गंदा पानी। जल जमाव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने नाले के पानी में बैठकर किया प्रदर्शन। दरभंगा नगर निगम की उदासीनता के कारण कई वर्षों से वार्ड 29 की जनता जल जमाव से परेशान है। आलम यह है कि 12 महीनों में 8 से 9 महीने सड़क और घरों में बारिश और नाले का गंदा पानी लगा रहता है। नगर निगम सहित जिला प्रशासन को जल जमाव की लिखित सूचना देने के बावजूद भी नतीजा ढाक के तीन पात साबित हो रहा है। जल जमाव की समस्या से लोग इतना परेशान हैं कि आज जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष पूर्व वार्ड पार्षद मुन्ना खां के नेतृत्व में दर्जनों मोहल्लावासियों ने सड़क जाम कर सड़क पर लगे नाले के गंदे पानी में बैठकर नगर निगम प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। आंदोलन कर रहे आंदोलनकारी ने कहा कि पिछले कई साल से हम लोग इस जल जमाव से त्रस्त हैं। इस जल जमाव को लेकर कई बार हम लोगों ने जिलाधिकारी से लेकर नगर निगम से शिकायत की है, लेकिन आज तक किसी प्रकार का ठोस समाधान नहीं निकला, जिसके चलते यहाँ सालों भर जल जमाव लगा रहता है और यहाँ के लोगों को हमेशा किसी न किसी प्रकार की समस्या से जूझना पड़ता है। इसके साथ ही लोग कीचड़ का सामना करने को मजबूर हैं। वहीं वार्ड नंबर 29 के पार्षद पति मुन्ना खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब तक नाले का निर्माण सहित समुचित जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वार्ड नंबर 29 के पूर्व पार्षद रहे हैं स्वयं मुन्ना खान।
ये गंदे पानी में बैठकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि नगर निगम प्रशासन सो रही है और यहाँ की जनता त्रस्त है। नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं, मेयर हैं, सब मस्त हैं। हम लोग सिर्फ एक मांग के लिए बैठे हैं कि जो 38 लाख रुपए की राशि से जो नाली बना उसका इंक्वायरी होना चाहिए। आखिर उसका जो नाली का मापदंड है उस हिसाब से नाली का काम नहीं किया, ठेकेदार और इंजीनियर की मिली भगत से ये काम हुआ, जिसके कारण आज खान चौक से लेकर पूरे वार्ड में आज जल जमाव की समस्या बनी हुई है। पिछले 15 साल से हम लोग अपनी मांग को लेकर बैठे हैं कि जब तक जल जमाव से निदान नहीं मिलेगा उस वक्त तक वार्ड नंबर 29 की जनता जल में बैठी रहेगी, जल समाधि ले लेगी, लेकिन यहाँ से जब तक इस जल जमाव का पूर्ण रूप से निवारण नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। चाहे इसके लिए जो हो जाए, मेयर और ये नगर आयुक्त नगर अभियंता, इस वार्ड में जल जमाव की समस्या के कारण सारी जिम्मेदारी उन लोगों की है। डीएम के आने के बावजूद उन लोगों ने ठीक ढंग से काम नहीं कराया, इसीलिए आज वार्ड नंबर 29 की जनता पूरी तरह जल जमाव से त्रस्त है। एमएलएसएम कॉलेज के रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा को अनुपम सिन्हा बेस्ट केमिस्ट्री टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा के रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र को रसायन विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। अनुपम सिन्हा बेस्ट केमिस्ट्री टीचर अवार्ड के नाम से इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र के साथ नगद राशि भी दी जाती है। यह पुरस्कार एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स मुंबई द्वारा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर राजस्थान में रसायन शास्त्र के शिक्षकों के राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर प्रदान किया गया। इस सम्मेलन में प्रोफेसर मिश्र रोल ऑफ नैनो साइंस इन इमर्जिंग एरिया ऑफ रिसर्च इन केमिकल साइंस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, साथ ही वे एक तकनीकी सत्र की अध्यक्षता भी करेंगे। सीएम कॉलेज में संचालित यूजीसी नेट के छात्रों को निशुल्क बांटेंगे पुस्तक। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समय प्रबंधन आवश्यक, कहा वसीम अहमद ने। सीएम कॉलेज दरभंगा में संचालित यूजीसी नेट के छात्रों को निःशुल्क पुस्तक वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आज का युग प्रतिस्पर्धा का है, शिक्षा के क्षेत्र में भी रोजगार प्राप्त करने के लिए विशेषकर सरकारी संस्थानों में स्थान पाने के लिए एक लंबी कतार बेरोजगारों की खड़ी है। ऐसे समय में प्रतियोगिता परीक्षा की अनिवार्यता बढ़ गई है, उक्त बातें कही श्री वसीम अहमद, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी दरभंगा ने। इस अवसर पर उपस्थित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि महाविद्यालय में बीपीएससी, सीटेट एवं यूजीसी नेट का निःशुल्क कोचिंग प्रारंभ करने का उद्देश्य यह है कि छात्र छात्राओं को राष्ट्र की मुख्य धारा की परीक्षाओं से जोड़ा जाए और महाविद्यालय स्तर से ही छात्रों के अंदर प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रति उन्हें जागृत किया जाए। गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए विशेष कानून बनाने की मांग को लेकर 112 दिनों से अनशन कर रहे स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद का निधन होने के उपरांत मिथिलात्मक अध्यात्म मंच के तत्वावधान में दरभंगा टावर पर 27 अक्टूबर को आयोजित होगी श्रद्धांजलि सभा। मिथिलात्मक आध्यात्म मंच के तत्वावधान में माता गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए विशेष कानून बनाने की मांग को लेकर 112 दिनों से अनशन कर रहे महान वैज्ञानिक प्रोफेसर जीडी अग्रवाल उर्फ स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद का 11 अक्टूबर 2018 को निधन हो गया। मिथिलात्मक अध्यात्म मंच के तत्वावधान में दरभंगा टावर पर 27 अक्टूबर को 3 बजे दिन से स्वामी सानंद की आत्मा शांति के लिए लोग सामूहिक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं। सबों से इसमें आमंत्रित करते हुए उनसे शामिल होने की अपील भी की गई है। यह जानकारी मंच की ओर से डॉक्टर हरेकृष्ण चौधरी ने दी। ये अब तक के समाचार, बिदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सीसीटीवी में कैद हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीर। बुधवार को इसी अपराधी ने मारी थी होटल में 2 लोगों को गोली। दरभंगा में 24 घंटे के भीतर 3 अलग अलग जगहों पर गोलियां चलने से दहल उठा है शहर। मेला देखकर लौट रही नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण कर सामूहिक हैवानियत का सनसनीखेज मामला आया सामने। एसएसपी ने शुरू की जांच और कार्रवाई। 4 दिन बाद बुजुर्ग के शव की हुई पहचान। मृतक के परिवार ने लगाया भतीजे पर ही हत्या का आरोप। सारा मोहनपुर में पुल के नीचे मिली थी लाश। मनीगाछी के बथेल गांव के रहने वाले थे मृतक महेश झा। डेंगू को लेकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बढ़ रही मरीजों की संख्या। डीएमसीएच के ब्लड बैंक की क्रायो मशीन हुई खराब। प्लेटलेट्स नहीं रहने से मरीजों की जान पर हो सकता है खतरा।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने या फिर शुद्धिकरण हेतु 28 अक्टूबर को चलेगा विशेष अभियान। बूथों पर बीएलओ रहेंगे मौजूद। जिलाधिकारी ने भी आम जनों से की इस अवसर का लाभ उठाने की अपील। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने डरहार कन्या उच्च विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर की हालात का भी लिया जायजा। और जल जमाव की समस्या को लेकर वार्ड 29 के लोगों ने नाले के पानी में बैठकर किया प्रदर्शन। कहा 12 में से 9 महीने घर से लेकर सड़क तक पर लगा रहता है गंदा पानी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को आप GTPL केबल के 986 नंबर पर देख सकते हैं। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।